स्वागत करते हैं आप सभी का टेक्निक यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 रैखिक तथा द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के बेसिक कांसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं, इस चैप्टर का बेसिक कांसेप्ट ही सब कुछ है। यदि आप बेसिक कांसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के बेसिक कांसेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा और प्रत्येक कांसेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को डियर स्टूडेंट। सबसे पहला टॉपिक आपका है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात पदों की संख्या एक होती है उसको हम बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण। यानी कि ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें अज्ञात पदों की संख्या केवल और केवल एक होती है उसको हम बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा गया है तो आपका हो जाएगा 3x प्लस का 5 बराबर 10। तो ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें अज्ञात चरों की संख्या केवल एक हो उसको हम बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण। जैसा कि मैंने एग्जांपल के रूप में बताया 3x + 5 = 10। यानी कि आपको अज्ञात चरों की जो संख्या मिलेगी केवल और केवल एक मिलेगी। जैसे आपका एग्जांपल 3x + 5 = 10 है तो इसमें अज्ञात चर कितना है केवल और केवल एक, वो आपका x है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि अज्ञात चरों की संख्या एक हो उसे हम बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण। वहीं पर डियर स्टूडेंट, ऐसे रैखिक बहुपद जिसमें अज्ञात चरों की संख्या दो हो उसको हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी कि ऐसा रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या दो हो उसको हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे एग्जांपल के रूप में दे दिया जाए x + y + का 5 = 0। तो इस रैखिक बहुपद में जो अज्ञात चरों की संख्या कितनी है दो है, पहला आपका चर x है और दूसरा चर आपका y है। तो जब अज्ञात चरों की संख्या दो होगी तो उसको हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, और जब अज्ञात चरों की संख्या एक होगी तो उसको हम बोलेंगे एक चर रैखिक समीकरण। यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट, आगे ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो रैखिक समीकरणों को हल करने की तीन विधियां हैं। पहला आपका होता है वज्रखंड विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि और तीसरा आपका है प्रतिस्थापन विधि। तो आपकी बुक में तीन विधि दी गई है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रखंड विधि। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको विलोपन विधि से इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको शानदार तरीके से विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। इसी कांसेप्ट पर यानी कि विलोपन विधि से ही आप सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। एक बार मैं और आपको बता दूं स्टूडेंट, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि वज्रखंड विधि से सॉल्व करो या विलोपन विधि से सॉल्व करो या प्रतिस्थापन। आप चाहे किसी भी विधि से सॉल्व करो, चाहे ट्रिक से सॉल्व करो या किसी भी विधि से सॉल्व करो या आंसर रटते जाओ, आपको आंसर सही करके आना है। यदि आप सही ऑप्शन टिक करके आओगे तभी आपको उसका नंबर दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी आपका सिंपल सा कांसेप्ट हो उसको आप बना करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड की कॉपी नहीं दिख रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप वज्रखंड विधि से सॉल्व करके बताओ या इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बताओ। तो डियर स्टूडेंट, विलोपन विधि को शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। विलोपन विधि से ही आपका सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का अच्छी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। तो समझिएगा डियर स्टूडेंट, विलोपन विधि क्या होता है। जैसे आपको दो समीकरण दे रखा हो, पहला समीकरण आपका हो 3x plus का 4y बराबर दे रखा हो 15, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा हो 2x plus का 3y बराबर आपको दे रखा है 6। तो विलोपन विधि से आपको x और
ग्लोबल मीडियम ये एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है आपको, दोनों समीकरणों में x अथवा y किसी के गुणांकों को बराबर कर देना होता है। जैसे इसको आप मान लो समीकरण 1 है और इसको आप मान लो समीकरण 2 है, तो दोनों समीकरण में आपको x अथवा y के किसी भी गुणांक को बराबर कर देना है। तो यदि आप x के गुणांक को बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर लो और समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कर लो। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करोगे तो 2 दिया 6x प्लस का 2 जो 8y बराबर आपको मिलेगा 15 2 9 30, और समीकरण 2 में जब 3 से गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 2 3 से गुणा करोगे तो 3 6x प्लस का 9y बराबर आपको मिलेगा 3 4 12। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, जब मैंने x अथवा y में x के गुणांक को बराबर किया तो घटाने पर तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहां से घटाएंगे तो -y बराबर आपको मिल जाएगा -y बराबर आपको मिल जाएगा 18, यानी y की वैल्यू आपने निकाल लिया 18। तो y की वैल्यू आपको 18 मिल गया, तो y का मान -18 है। समीकरण 1 या 2 में रख करके आप x का भी मान निकाल सकते हैं। तो यही आपका ग्लोबल निधि होता है, आपको दोनों समीकरणों में x अथवा y के किसी भी गुणांक को बराबर करके आप एक वैल्यू निकालेंगे, फिर किसी वैल्यू का मान रख करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। यही आपका सिंपल सा ग्लोबल विधि है। अब आगे ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है द्विघात समीकरण के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका द्विघात समीकरण होता है उसका आपका व्यापक जो समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो आपका होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है, और द्विघात समीकरण के दोनों को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो आपका माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a होता है। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों को ज्ञात करने का फार्मूला है आपका माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ पर जब आप एक बार प्लस रखेंगे तो पहला मूल आपको मिलेगा और एक बार आप माइनस रखेंगे तो आपको दूसरा मूल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस देना दे रखा है, यदि आप प्लस रखेंगे तो पहला मूल मिलेगा और माइनस रखेंगे तो आपको दूसरा मूल मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आपका है विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर जो होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। जो आपका विभवांतर होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी बराबर आपका होता है b² माइनस का 4ac, यानी कि विभवांतर डी बराबर b² माइनस का 4ac होता है। वही पर डियर स्टूडेंट, यदि आपका किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हो, किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हो, तो जो मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है माइनस का x का गुणा बटे आपका होता है x² का गुणा। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने माना है कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। वहीं पर जो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इनटू बीटा का जो मान होता है वो आपका होता है अचर पद डिवाइडेड बाय आपका होता है x² का गुणांक। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, यदि मूलों का गुणनफल पूछा जाए अचर पद डिवाइडेड बाय x² का गुणांक और मूलों का योगफल जो होता है वो माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक आपका होता है। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यदि डियर स्टूडेंट आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका मूलों की प्रकृति पर। तो मूलों की प्रकृति पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो ध्यान से मूलों की प्रकृति का कंडीशन को समझिएगा, बहुत ही सिंपल से कांसेप्ट है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो मूलों की प्रकृति के बारे में समझिए,
यदि आपका डियर स्टूडेंट यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान, यदि आपका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो के बराबर हो तो जो आपका मूल होगा वो दोनों मूल वास्तविक तत्व समान होंगे, दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो ध्यान रखिएगा यदि आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर आएगा तो दोनों मूल आपके वास्तविक और समान होंगे। वही पर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट कांसेप्ट है यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान जीरो से बड़ा हो, यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इस कांसेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा, आपको समीकरण दे रखेगा और पूछेगा मूलों की प्रकृति बताओ, तो इसी पर आपको चेक कर लेना है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट नोट कीजिएगा, यदि आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान 0 से छोटा हो, यदि आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो दोनों मूल आपके काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक होने का कंडीशन क्या है? जब आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे। 0 से छोटा कब आएगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आएगी। नेक्स्ट टाइम नोट कीजिएगा, यदि आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो तो आपका परिमेय होगा, पूर्ण वर्ग हो तो जो संख्या होगी वो आपका परिमेय होगा। कब? जब b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय होगा। वहीं पर यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या होगा? यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो पांचों कांसेप्ट आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। यदि आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय होगा और 0 से बड़ा हो पूर्ण वर्ग ना हो तो अपरिमेय होगा। तो सारे कांसेप्ट को ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, जैसे आपका डियर स्टूडेंट आपको समीकरण निकाय दे रखा है, आपको समीकरण निकाय दे रखा है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरणों के अनंत अनेक हल होने का कंडीशन क्या होगा? इन दोनों समीकरणों के अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल होने का जो कंडीशन होता है वो आपका होता है a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर c1 बटे का c2 होता है। इन दोनों समीकरण निकाय का
अनंत अनंत अनेक हल होने का जो कंडीशन होगा वो आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको दो समीकरण दे रखेगा, आपसे पूछेगा यदि ये दोनों समीकरण का अनंत अनेक हल हो तो आपको k की वैल्यू निकालने के लिए पूछ देगा या a की वैल्यू निकालने के लिए पूछ देगा। वहीं पर डियर स्टूडेंट अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन है वो आपका बनता है a1 बटे का a2 बराबर आपका होता है b1 बटे का a2। यानी कि यदि यह दोनों समीकरण निकला है का अद्वितीय हल होगा तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2। वहीं पर तीसरा कांसेप्ट नोट कीजिएगा, कोई हल नहीं होने का जो कंडीशन होगा, कोई हल नहीं होने का जो कंडीशन होगा वो आपका a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के बराबर होगा। तो सारे कांसेप्ट को अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में इन्हीं सारे कांसेप्ट से क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट, यदि किसी त्रिघात समीकरण का आपको मूल पता हो, यदि किसी त्रिघात समीकरण का आपको मूल पता हो और आपको त्रिघात समीकरण निकालना हो तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है x2 माइनस मूलों का योगफल इनटू x प्लस का आपका होता है मूलों का गुणनफल। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपको द्विघात समीकरण का मूल दे रखा हो और आपसे समीकरण पूछा जाए तो आपको फार्मूला लगाना है x2 माइनस मूलों का योगफल इनटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण कोई सा भी आपको समीकरण दे रखा हो जितनी उसकी घात होगी उतने ही उसके मूल होंगे। जैसे आपका यह समीकरण आपको दे दिया गया है कि x2 प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, तो इन द्विघात समीकरण में कितने मूल होंगे, इन द्विघात समीकरण में डियर स्टूडेंट आपके दो मूल होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर घातों की संख्या दो है तो घात के बराबर आपका मूल होता है, यानी जितनी घात होगी उतना ही आपका मूल होगा। एक ऐसी एग्जांपल दे दिया है x3 प्लस 2x2 प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, इसमें अधिकतम घात की संख्या कितनी है, इसमें अधिकतम घात की संख्या 3 है तो मूल कितने होंगे, मूल भी आपके 3 होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, जितनी आपकी घात है उतना ही आपका मूल होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डियर स्टूडेंट, यदि किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल आपका a प्लस का रूट ओवर b हो, यदि किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल आपका a प्लस का रूट ओवर b हो तो दूसरा मूल आपका a माइनस का रूट ओवर b होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों रैखिक तथा द्विघात समीकरण के बेसिक कांसेप्ट को मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। जितना मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट बताया यदि अच्छी तरीके से टोटल कांसेप्ट को ध्यान में रख लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सारे कांसेप्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना माइंड में सेट होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 में मूलों का योगफल होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको मूलों का योगफल ज्ञात करता है। आपको समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 5 बराबर 0। तो आपको पता है फार्मूला लिया इसमें, तो आपका मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस का x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आपका है माइनस का 11 बटे x स्क्वायर का गुणांक आपका 2 है। तो यहां से आपको मिलेगा 11 बटे का 2, यानी कि मूलों का जो योगफल होगा वो आपका 11 बटे 2 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप लोग ध्यान से पढ़िए और बताइए डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0, समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल की निष्पत्ति होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा, बस आपको लैंग्वेज घुमा कर दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा, आपको समीकरण दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 8 बराबर 0। आपको मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल का निष्पत्ति बताना है। तो सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर आपका होता है माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस का x का गुणांक माइनस का 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक आपका 5 है। तो यहां से आपको मिलेगा 7 बटे 5। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद तो आपका 8 है और x स्क्वायर का गुणांक आपका 5 है। तो आपको मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल की निष्पत्ति बताना है। यानी कि निष्पत्ति का मतलब यह होता है कि मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का आपको अनुपात बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, मूलों का योगफल आपका है 7/5 और मूलों का गुणनफल आपका है 8/5। इसी को सॉल्व करो, 5 से 5 कैंसिल लाओ, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 7/8। यानी कि मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की जो निष्पत्ति होगी वो आपका 7/8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, निष्पत्ति का कुछ मतलब नहीं है, आपको मूलों का योगफल डिवाइडेड बाय मूलों का गुणनफल कर देना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आपको मूल दे रखा है, आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, यदि आपको मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू का x प्लस का होता है मूलों का गुणनफल बराबर 0। यह फार्मूला तब लगाते हैं जब आपको मूल पता हो। तो मूल आपको दे रखा है 5 और 3, तो आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी 5 प्लस का 3 इनटू का x प्लस का 5/3 बराबर 0। तो यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आपको सिंपल से बेसिक कांसेप्ट और फार्मूले आपको पता है इस चैप्टर का, तो किसी भी क्वेश्चन को आप 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है सॉल्व करने। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है,
यदि x स्क्वायर माइनस 16x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग समझिएगा। आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का k बराबर 0। बोला है मूल बराबर है तो k का मान होगा। तो मूल बराबर होने का जो कंडीशन है वो आपका होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होता है। जब भी आपके मूल बराबर होते हैं तो वहां पर कंडीशन अप्लाई होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए, जिसको आप लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 4ac के रूप में। अब डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू यहां पर रख दीजिए a b और c का मान। तो a b और c का मान कैसे निकालेंगे? द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से गुणा कराएंगे। तो a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर का गुणा b की वैल्यू क्या है? x का गुणा और c की वैल्यू क्या है? अचर पद। तो a का तो मान आपको मिलेगा 1 और b का मान आपको मिलेगा माइनस का 16 और c का मान आपको मिलेगा 1। तो सारी वैल्यू रख दो, b स्क्वायर यानी माइनस का 16 का स्क्वायर बराबर 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो माइनस 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 बराबर 4k, 4 से काट लो तो 4 से 24, 4 से 16 यानी k की वैल्यू आपको मिल गई 64। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का दे रखा है k के निश्चित मान के लिए a स्क्वायर माइनस 3ka प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 36 है तो मूल होंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36 को समझिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समीकरण दे रखा है a स्क्वायर माइनस का 3ka और प्लस का 3k स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर 0। क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूलों का गुणनफल जो है वो आपका 36 है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा बराबर 36 दे रखा है। अब डियर स्टूडेंट इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद डिवाइडेड बाय आपका x स्क्वायर का गुणांक। तो इस समीकरण में अचर पद आपका है 3k स्क्वायर माइनस 1 यानी 3k स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है। तो मैंने मूलों का गुणनफल निकाला तो अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक बराबर आपको दे रखा है 36। तो यहां से 3k स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 27। तो यहां पर 3 से काट लो तो 9 बच जाएगा तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपने k की वैल्यू निकाल लिया थी, अब k का मान आप यहां पर रख दो तो मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस का 3 इनटू 3a और प्लस का 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस का 9a और माइनस का 9a और प्लस का 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 1 26 बराबर 0। यानी कि फाइनली जो आपको समीकरण मिल गया वो आपको मिल गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस का 26 बराबर 0। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मूलों का क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मूल बताना है। तो ध्यान से समझिएगा तो मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है? मूलों की प्रकृति बराबर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेक कर लेते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है, कि 0 से बड़ा आ रहा है, कि 0 के छोटा आ रहा है। तो ध्यान से समझना तो b का मान यहां पर कितना है? b का मान इस समीकरण में आपका है माइनस का 9। माइनस का 9 का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू आपका है 1 और c की वैल्यू कितना है? 26। तो 26 रख दो। तो यहां पर देखो माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 26 गुणे 4 करोगे कितना आएगा? 104। तो यहां पर देखना d की वैल्यू क्या आ रही है। तो आपका 4 में से 1 क्या 3 10 में से 8 जा दो यानी कि माइनस का 23 आ रही है। यानी कि जो d की वैल्यू है माइनस का 23 जो कि क्या है 0 से छोटा है।
-123 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, मूल आपके काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से आपको चेक करना है यदि b बराबर b² - 4ac से तो माइनस में आया यानी 0 से छोटा है तो अधिकल्पित होगा, यदि आपका b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान होते। यदि b बराबर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होते। तो ध्यान में रखिएगा मूलों की प्रकृति आपको ऐसे ज्ञात करता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है यदि x² - px + q बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो α² + β² का मान होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझिएगा। दे रखा है x² - px + q बराबर 0, तो आपको इसका जो मूल दे रखा है वो आपका है अल्फा और बीटा। आपको वैल्यू ज्ञात करना है α² + β² की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इस समीकरण से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का x का गुणन बटे x स्क्वायर का गुणन, तो माइनस का x का गुणन माइनस का भी, यानी यहां से तो आपको मिल जाएगा कि यानी कि जो मूलों का योगफल वो आपको मिलेगा कि मूलों का गुणनफल क्या मिलेगा, अचर पद निकालने पर x स्क्वायर का गुणन, तो अचर पद आपका q है बटे, यानी आपको मिलेगा कि अब आपको α² + β² की वैल्यू चाहिए। तो करते क्या है, α + β का होल स्क्वायर कर लेते हैं, मिलेगा आपको α² + β² + 2α² β। तो यहां पर α + β का मान p, तो p का स्क्वायर बराबर α² + β² + 2α² β की वैल्यू q, तो यहां से आपको मिलेगा α² + β² = p² - q। इस तरीके से α² + β² की वैल्यू p² - 2p के बराबर होगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको कांसेप्ट ऑफ थिंग पता होना चाहिए। इसीलिए डियर स्टूडेंट मैं आपको बार-बार बोलता हूं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले आप उसके बेसिक कांसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। यदि आप बेसिक कांसेप्ट को समझ जाते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे छूटेगा भी नहीं और 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत कम समय के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है यदि समीकरण x² - px + q = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो α/β + β/α का मान होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपको समझिएगा। आपको समीकरण दे रखा है x² - px + q - px + q = 0, आपको निकालना है α/β + β/α की। तो सबसे पहले इसको हम एक स्टेप साफ कर लेते हैं, तो ऐसे मिलेगा अल्फा बीटा, ऊपर मिलेगा आपको α² + β², इसी की वैल्यू आपको। अब देखिएगा इस समीकरण का मूल आपका है अल्फा और बीटा, तो सबसे पहले इस समीकरण से मूलों का योगफल आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का x² - x² का गुणा - का और x का गुणा आपका भी है तो आपको मिल जाएगा भी। अब मूलों का गुणनफल क्या मिलेगा, मूलों का गुणनफल आपको क्यों मिलेगा। अब आपको यहां पर α * β की जो वैल्यू पता चल गया, आपको α² + β² की वैल्यू चाहिए,
तो करते क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पी है, तो पी का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू। तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी पी स्क्वायर माइनस का टू। अब सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपका है पी स्क्वायर माइनस का टू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपका है टू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका पी स्क्वायर माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है यह क्वेश्चन, सॉरी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के दो तरीके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को यदि आप ठीक से समझेंगे तो मैक्सिमम आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, और यदि आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मिनट भी लगेगा। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 9, बोल रखा है एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से रुपया 3 ज्यादा है, यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल रुपया 460 हो तो राम की प्रतिदिन की आमदनी होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा, बोला है राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज्यादा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि जो आपके रवि की आमदनी है वो आपका x है, तो राम की आमदनी कितनी होगी, राम की आमदनी आपका x प्लस 3 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज्यादा है। फिर आगे दे रखा है यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल 460 हो, प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल 460 हो यानी x गुणे x प्लस 3 का जो गुणनफल है वो आपका 460 है, तो आपको बताना है राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या हो। तो एक बात आप ध्यान से समझो, दोनों की आमदनी के कितने रुपए का डिफरेंस है, तो दोनों की आमदनी में जो डिफरेंस है वो आपका केवल और केवल 3 रुपए का है। दोनों की आमदनी में केवल और केवल 3 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि हमको क्या करना है 460 का ऐसे फैक्टर कर देना है, ऐसे दो संख्याओं के बीच गुणनफल कर देना है जिनके बीच का अंतर 3 हो। तो 460 को हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं 20 गुणे 23 के रूप में, 460 को 20 गुणे 23 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यदि रवि की आमदनी आपका 20 रुपया होगा तो राम की आमदनी कितना होगा 23 रुपया, तो ये तो आपका बेसिक कांसेप्ट हो गया। आप डायरेक्ट दिमाग में सोच करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों की आमदनी में 3 रुपया का डिफरेंस है, तो 460 को ऐसी दो संख्याओं के बीच तोड़ो जिनके बीच का अंतर 3 हो। तो मैंने 460 को 20 रुपए 23 के रूप में लिख दिया, यानी कि रवि की आमदनी आपका 20 रुपया होगा और राम की आमदनी आपका 23 रुपया होगा। ये तो मैंने बताया आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यार डियर स्टूडेंट, यदि आप बेसिक से सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर आपका होगा 460, तो यहां से x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 460 बराबर। अब यहां से भी सॉल्व करोगे तो भी आपको राम की आमदनी यानी x की वैल्यू आपको 20 आएगी, यहां से भी सॉल्व करोगे तो भी आपको x की वैल्यू 20 आएगी, तो x की वैल्यू यहां पर 20 रखोगे तो भी आपकी राम की आमदनी 23 ही आएगी। तो ध्यान में रखिएगा आप ऐसे क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करने का प्रयास करें, बेसिक से सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, आप ठीक से सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन बात यह है कि आपके समय की बचत हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे तो इसका जो बचा टाइम है नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बोला है समीकरण a स्क्वायर माइनस bt bc इनटू x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस ac इनटू x प्लस c स्क्वायर माइनस ab बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, यदि चार ऑप्शन आपको दे रखा है तो कंडीशन बताना।
समझना है, तो ध्यान से समझना। आपको दे रखा है a स्क्वायर माइनस का bc इनटू का x स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का ac इनटू का x प्लस का c स्क्वायर माइनस का a बराबर आपको दे रखा है 0। बोला है कि मूल बराबर होंगे तो कंडीशन बताइए, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो मूल बराबर होने का जो कंडीशन है वो आपका होता है b स्क्वायर बराबर 4ac। अब abc की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस समीकरण का आप द्विघात के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराओ तो c की वैल्यू आपको मिलेगा a और b की वैल्यू आपको मिलेगा x का गुणा और a की वैल्यू आपको मिलेगा x स्क्वायर का गुणा। अब सारी वैल्यू रख दो तो g का मान कितना है 2 b स्क्वायर माइनस का ac, ये आपका b का है इसका स्क्वायर कर दो बराबर 4। a की वैल्यू कितना है a स्क्वायर माइनस का bc और c की वैल्यू कितना है c स्क्वायर माइनस का a। अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा और ये आपका b स्क्वायर माइनस ac का स्क्वायर बराबर ये आपका 4 है तो 4 और 2 इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो क्या होगा? इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो होगा आपका a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का a क्यूब b माइनस का b c क्यूब और प्लस का आपका होगा b स्क्वायर ac b स्क्वायर ac। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? 4 से 4 आपका कैंसिल आउट होगा तो यहां से देखिएगा 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप a माइनस b का होल स्क्वायर कर लो तो क्या होगा a स्क्वायर यानी b के स्क्वायर का स्क्वायर b पावर 4 होगा प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर ac और राइट साइड वाली वैल्यू आप ऐसे ही रखो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b c क्यूब और प्लस का आपका हो जाएगा b स्क्वायर ac। यहां तक आपको समझ में आया होगा a स्क्वायर c स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर में से तो यहां पर आपको मिलेगा b पे पावर 4। अब देखिएगा माइनस का 2b b स्क्वायर ac है और इधर आपका प्लस का b स्क्वायर ac है तो प्लस का b स्क्वायर ac जब आपका लेफ्ट साइड आएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3b स्क्वायर ac। अब ये दोनों वैल्यू को आप लेफ्ट साइड लेते आइए तो दोनों प्लस में आएंगे यानी आपको मिलेगा a क्यूब b प्लस का bc क्यूब बराबर 0 मिलेगा। अब देखना सारे में b कॉमन है तो आप b कॉमन ले लो मिलेगा आपको b क्यूब माइनस का 3abc प्लस का a क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर आपको मिलेगा 0। यहां तक आपको समझ में आया होगा मैंने सबसे से b कॉमन ले लिया। अब ध्यान से आप लोग आगे समझिएगा यहाँ पर भी आपका राइट साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा यानी यही वैल्यू आपकी बचेगी मिलेगा आपको बी क्यू माइनस का 3abc माइनस का 3abc और प्लस का a क्यू प्लस का c प्लस का a क्यू और प्लस का c क्यू बराबर आपका है जी। यहाँ से देखिएगा एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं तो a क्यू प्लस b क्यू और प्लस का c क्यू ये जो आपका माइनस का 3abc लेफ्ट साइड है इसको आप राइट साइड में ले जाओ तो बराबर आपको मिलेगा 3abc। इस तरीके से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc मिलेगा। इसी कंडीशन पर आपका समीकरण के मूल बराबर हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर c सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया रैखिक तथा द्विघात समीकरण के बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी यदि आपको किसी भी कांसेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।